दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा किया है और इस मौके पर उन्होंने राष्ट्र के नाम एक चिट्ठी लिखी है, एक पत्र भेजा है और वो पत्र जो है पूरे देश के जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अखबार हैं, जो वेबसाइट्स हैं, हर जगह वो प्रसारित और प्रकाशित हुए हैं। टेलीविजन चैनलों पर भी उसके बारे में कमेंट्स आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, सूचना दी जा रही है। तो इस बार उन्होंने ये जो पत्र भेजने की शैली अख्तियार की है वो काफ़ी अलग है पहले से, क्योंकि पहले वो टेलीविजन चैनलों पर अक्सर आकर के अपनी बात कहते थे, रेडियो पर बोलते थे और रेडियो पर बोलेंगे भी। लेकिन ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आज के दौर में जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा है। सरकार को जाहिर है, कोई भी सरकार जब कोई अपना पहला या दूसरा कार्यकाल या उसका कोई साल पूरा करती है तो हमारे देश में एक ट्रेडिशन रही है, एक परंपरा है कि लोग अपना जलसा मनाते हैं, लेकिन शायद जलसे का माहौल नहीं है, जाहिर है पूरे देश में नहीं है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने एक सादगी के साथ चिट्ठी भेजी है, लेकिन चिट्ठी में जो बातें उन्होंने कही हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, काबिले गौर हैं और मैं समझता हूं कि अलग अलग ढंग से लोग उस चिट्ठी को व्याख्यायित करेंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में जो अपनी सरकार की बड़ी जो सफलताएं, बड़ी जो कामयाबी गिनाई है वो क्या क्या है, उसमें जो गिनाई है उन्होंने आर्टिकल 370 का खात्मा, यानी जम्मू कश्मीर से जो एक संवैधानिक प्रावधान था 370 का, विशेष प्रावधान सूबे के लिए, उसको खत्म करना। दूसरा उन्होंने माना है कि अयोध्या का जो राम टेम्पल है, जो राम मंदिर है, उसके निर्माण का रास्ता प्रशस्त होना, एक ये माना है अपनी सरकार का। और तीसरा उन्होंने माना है ट्रिपल तलाक, जिस पर कानून आप जानते हैं कि बदलाव किया गया था। और चौथा भारत की करुणा का प्रतीक उन्होंने माना है नागरिकता कानून को, जिसमें सरकार ने विवादास्पद संशोधन करके पूरे देश में एक भयानक स्थिति पैदा कर दी थी, उसको उन्होंने भारत की करुणा का प्रतीक माना है। और पांचवा उन्होंने माना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति। ये पांच बड़ी उपलब्धियां उन्होंने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में गिनाई हैं। और 2014 से 2019 का जो पहला उनका कार्यकाल था उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन एक चलते चलते उन्होंने एक बात कही है कि वैश्विक स्तर पर भारत ने अपनी आन बान शान बढ़ाई और बहुत सारी और चीजों का उसमें जिक्र किया है, लेकिन हम दूसरे कार्यकाल के इस पहले साल पर ही केंद्रित करेंगे, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है देश की जनता के लिए, देश के नाम। इसमें हम सबसे पहले जो बात उठाएंगे दोस्तों वो 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, इन सबसे आप वाकिफ हैं। आप हमारे जो आर्मी चीफ पहले थे और जो अब डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं रावत साहब, उनकी नियुक्ति के बारे में भी आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने नागरिकता संशोधन कानून जो है, जिसमें परिवर्तन किया गया कानून में, मूल कानून में, और जो बदलाव लाया गया, इसके पहले आप जानते हैं कि एनआरसी चल रही थी असम में और फिर एनआरसी को पूरे देश में लागू करने का इरादा सरकार ने जाहिर किया था, जो कॉम्प्लिकेशन और जो उसके बहुत सारे उसके इम्प्लिकेशंस जो निकल के सामने आ रहे थे उसको एड्रेस करने के लिए ये कानून में बदलाव किया गया और पूरे समाज में एक विभाजन की स्थिति पैदा कर दी गई। सरकार ने जो कानूनी संशोधन किया उससे एक तरह से हर जगह, चाहे वो असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे दूसरे और हल्के हों, हर जगह एक अजीब तरह का माहौल पैदा हो गया। देश का कोना कोना, कोई ऐसा हल्का नहीं है जहां नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ लोग सड़कों पर नहीं उतरे। तो आखिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री उसको अपनी कामयाबी गिनाएं, ये तो बात समझ में आ सकती है, उसको ये कहें कि हम जो चाहते थे वो हमने करके दिखा दिया, ये तो बात समझ में आ सकती है,
लेकिन उन्होंने उसको भारत की करुणा का प्रतीक जो कहा, करुणा का प्रतीक, मैं समझता हूं कि ये केवल शब्दों का मामला नहीं है, ये इसमें अर्थवत्ता, इसमें अर्थ जो शामिल है वो मैं समझता हूं कि वो बहुत ही विचित्र है। और मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता कि आखिर जिन लोगों ने भी इस तरह की भाषा के इस्तेमाल के लिए प्रधानमंत्री जी को सजेस्ट किया होगा वो क्या सोचकर किया होगा, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी अगर इसको व्यक्त किया है इस जुमले को तो उसका क्या मतलब है। हम जानते हैं दोस्तों कि पूरी दुनिया में जो मानवतावाद है उसमें करुणा उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, और पूरे वैश्विक मानवतावाद में आप जानते हैं कि भारत का एक महत्वपूर्ण अवदान रहा है, और वो बुद्धिज्म से उसको काफी जोड़ा जाता है, पूरी दुनिया में माना जाता है कि जो बुद्धिस्ट जो यानी बौद्ध जो दर्शन है और जो वैचारिकी है उसका उसका जो करुणा का जो पहलू है, करुणा का जो उसका एक घटक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो वैश्विक मानवतावाद को संपुष्ट करता है, मजबूत करता है। अब आप ये बताइए कि जिस सीए के कारण इस देश के हजारों नौजवान पीटे गए, सैकड़ों नौजवान जेल में ठूसे गए, कई लोग जिनकी मौतें हो गई पुलिस लाठीचार्ज में, पुलिस गोली का तमाम तरह से अत्याचार हुए, दमन हुआ, अनेक लोगों पर ऐसे ऐसे कानून लगाए गए। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अब अगर आपको मैं बताऊं कि असम में अखिल गोगोई से लेकर के और आप दूसरे और स्टेट्स में देखें कईयों पर रासुका जैसे कानून लगाए गए, कईयों पर यूएपीए जैसे कानून लगाए गए। अभी आप जानते हैं कि जामिया में जो एमफिल करने वाली एक लड़की जो हम जानते हैं कि ये एक लंबी फेरिश्त है दोस्तों, लेकिन मैं सफूरा जरगर के बारे में कह रहा हूं कि एमफिल करने वाली एक लड़की, उसको गिरफ्तार किया जाता है जो सीए के प्रोटेस्ट में शामिल थी, और उनको गिरफ्तार ही नहीं किया जाता, उन पर यूएपीए कानून लगा दिया जाता है। 25 जून तक उनको फिलहाल कस्टडी में भेजा गया है, और इसके पहले भी अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। हम सब जानते हैं कि ये सीए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट में शामिल लोग थे, लेकिन इनको दिल्ली के दंगों में अभियुक्त बता दिया गया, जिन्होंने जीवन में कभी कोई एक कोई छोटा मोटा कोई जानवर भी नहीं जिसको कष्ट दिया होगा, क्लेश नहीं पहुंचाया होगा, लोग कहते हैं चूहा भी जिसने नहीं मारा होगा, ऐसा एक जुमला लोग इस्तेमाल करते हैं गांव घर में, उस पर आपने मनुष्य की हत्या का आरोप लगा दिया। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये दो लड़कियां देवांगना कालिता और नताशा नरवाल, इन दोनों को पिछले दिनों ये गिरफ्तार किया गया, ये दोनों जेएनयू की लड़कियां हैं, और यकीनन इन लड़कियों पर कभी भी आप जाहिर है न तो जरगर पर, न तो मीरान हैदर पर, न तो नताशा पर, न तो देवांगना पर, किसी पर कभी कोई मामला नहीं रहा होगा, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, और ये पढ़ने लिखने वाली लड़कियां, लेकिन इनको हत्या के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर दिया गया, और कहा गया कि क्योंकि जमानत मिल गई थी कोर्ट में नताशा को और देवांगना को, तो इनको पुनः जेल में रखने के लिए इसी सरकार की पुलिस ने, और आप जानते हैं कि दिल्ली की पुलिस केंद्र के अधीन होती है, उस इन लड़कियों पर बकायदा हत्या का आरोप लगा दिया। कमाल की बात है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली के दंगों में कौन थे शामिल, कौन नहीं थे शामिल, दुनिया ने टेलीविजन चैनलों पर धमकी देते हुए पुलिस को देखा है कि वो किस पार्टी, किस संघ, किस संगठन के कार्यकर्ता थे, लेकिन हम एसोसिएशन जो लोगों के थे वो बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो रहे थे संगठन कौन है, कौन कौन विचारधारा है, लेकिन उनको टच तक नहीं किया गया। लेकिन उनको टच किया गया जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो पीएचडी करते हैं, जो एमफिल करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उनके साल की जो पहली उपलब्धि है, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, वो भारत की करुणा का प्रतीक सीएए है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि असम से लेकर दिल्ली तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरे देश में जो हालात पैदा हुए सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर, इतनी तबाही मची, इतना देश पीछे गया, क्या वो करुणा का समंदर था, क्या वो करुणा का प्रवाह था, क्या वो करुणा की नदी धारा बह रही थी, क्या था, कैसे कैसे कहा जा रहा है। हम आश्चर्यचकित हैं कि आज के इस दौर में
कैसे करुणा का दौर, क्या मजदूरों के साथ जो इस देश में किया गया है, क्या वो कोई उसमें करुणा दिखाई देती है? मजदूरों को एक बड़ा सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी आज उनके प्रति पहली बार इस चिट्ठी में उनका उल्लेख कर रहे हैं, इसके पहले उनकी पीड़ा पर, उनकी उनकी जो हालत है पूरे देश में जिसको पूरी दुनिया ने देखा, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत की आन बान शान बढ़ी उनके कार्यकाल के पहले 5 सालों में। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया ने जो हालत देखी भारत की, टेलीविजन चैनलों पर, अखबारों में जो पढ़ी, पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया कि किस तरह भारत के सबसे उत्पादक लोग, मजदूर लोग, क्या उनकी हालत बना दी गई, क्या किस हालात में वो अपने घर गए, पैदल चलकर 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर तक लोग गए, और उनके लिए कौन जिम्मेदार है उस तबाही के लिए, उनके साथ जो भी जुल्म और सितम हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बेहतर नहीं होता कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी करुणा की बात करते हैं, वो स्वयं जवाबदेही और जिम्मेदारी लेते हुए आज कहते कि सचमुच उनकी सरकार से गलतियां हुई, ये कैलकुलेशन में, समझदारी में गलती हुई, या जो भी कह सकते थे, और इसके लिए वो कहते मजदूरों से, कहते कि हमसे गलती हुई है और इसके लिए हमें खेद है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं ऐसा कहा। और सच तो दोस्तों यही है कि पूरी दुनिया में जितने भी समाजशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री हैं, या इस तरह के मामलों को समझने वाले लोग हैं, सबका मानना है कि भारत में मजदूरों के लिए, उनकी पीड़ा के लिए, उनकी परेशानी के लिए, उनको, उनके ऊपर जो भी जुल्म हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जिम्मेदार है। और क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी 24 और 25 की रात को, अगर उसी समय ये कहा गया होता कि 6-7 दिनों का हम गैप देते हैं और इसके बाद हम पूरी तरह लॉकडाउन कर देंगे, जैसा कई मुल्कों ने किया, साउथ अफ्रीका ने 4 दिन का समय दिया था, 3-4 दिन का, सिंगापुर ने दिया था समय, लेकिन भारत ने बिल्कुल समय नहीं दिया, और भारत की सरकार ने ये समझे बगैर कि कारखाने बंद हो जाएंगे, लोगों की आवाजाही बंद हो जाएगी, रिक्शा चलाने वाले तक बिल्कुल ठप हो जाएंगे, उनका काम बंद हो जाएगा, सड़क पर जो काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं लोग, सब बेकार हो जाएंगे, कैसे वो जी पाएंगे वहां जहां आप कहते हैं कि जो जहां है वहीं रहे। एक मिडिल क्लास आदमी तो रह सकता है, एक मजदूर जो सड़क पर काम करता है वो कैसे रह सकता है? और यही हुआ कि लोग जाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि जिन कमरों में वो रहते थे वहां से उनको निकाला जाने लगा। अगर इन मजदूरों को वक्त दिया गया होता, अगर ये पहुंच गए होते उसी समय, मार्च के आखिर में, अप्रैल के फर्स्ट वीक के पहले, तो निस्संदेह न तो वो संक्रमित होते, न उनके साथ जुल्मो सितम इस तरह का देखने में आता, न तो वो ट्रेनों में मर जाते। अब तक ट्रेनों में 80 लोग मर चुके हैं, और अगर मीडिया में आ रहे आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, लोग जो गए पैदल और तरह तरह से ट्रकों पर और अन्य जगह अन्य तरीके से, तकरीबन 600 से अधिक मजदूर मारे गए हैं। ये मीडिया में जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, ऑथेंटिक डाटा सरकार की तरफ से जो भी डेटा आएगा वो बात की बात है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी किसी न किसी को कि आखिर मजदूरों के साथ जो भारत में हुआ है वो किसके कारण हुआ है, किन लोगों के कारण हुआ है। और दोस्तों, ये 1-2 मजदूर या 1 लाख या 5 लाख मजदूरों की बात नहीं है, 1 करोड़ों मजदूरों के साथ है। आज भारत में 12-13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, खासकर उत्पादक वर्ग के। तो ये जो समस्याएं हैं, मैं नहीं समझता कि भारत की आन बान शान में कैसे बढ़ोतरी हुई है, खासकर कोरोना के इस दौर में। और दोस्तों, कोरोना का जिक्र बिल्कुल अंत में मैं करना चाहता हूं कि कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने एक जमाने में कहा था, कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को एड्रेस करते हुए, कि 21 दिन में हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे, 18 दिन महाभारत चला था, 21 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस तरह का लहजा था कुल मिलाकर कि ये लड़ाई 21 दिनों की है, हम जरूर कोशिश करेंगे जीतने की। लेकिन हुआ क्या? आज माननीय प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है, और उन्होंने राष्ट्र के नाम लिखी चिट्ठी में यह बात कही है कि यह लंबी लड़ाई है। तो आखिर किस वक्तव्य को सही माना जाए, 21 दिन वाले वक्तव्य को या लंबी लड़ाई वाले वक्तव्य को? इस लंबी लड़ाई का ब्लूप्रिंट क्या है माननीय प्रधानमंत्री जी? आम आदमी के लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या है? आप करुणा की बात करते हैं, लेकिन यहां तो चारों तरफ क्रूरता फैली हुई दिखाई दे रही है। तो आखिर करुणा और क्रूरता के बीच में हमारी देश की राजसत्ता कहां खड़ी है?
ये जनता को तय करने दीजिए, ये मैं समझता हूं कि लोग तय करेंगे। शब्दों के जरिए केवल सामर्थ्य किसी राष्ट्र की नहीं हासिल की जा सकती, जब तक उसकी जनता की खुशहाली नहीं वापस होती है, जब तक उसकी समृद्धि वापस नहीं होती है, जब तक उसकी डेमोक्रेसी नहीं वापस होती है। और आज इस मुल्क के साथ यही हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं देखिए, मैं आज के इस दौर में किसी तरह की कटुता का इस्तेमाल, किसी भी तरह की कटुता में गए बगैर साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि सचमुच भारत को करुणा चाहिए, सचमुच यहां के लोगों को करुणा चाहिए। लेकिन वो करुणा कैसे मिलेगी जब सत्ता इतनी क्रूर है कि छात्रों को, छात्राओं को, गर्भवती जो लड़कियां हैं उनको, जिनकी अभी जिनको पहला बच्चा होने वाला है, उनको भी आप आतंकवाद विरोधी कानून में गिरफ्तार करके जेलों में डाल देते हैं, आपकी सरकार, आपकी पुलिस। इन शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।